सकते हैं, क्योंकि हमें सच बोलने की आदत बनाना है, लिहाजा सच बोलने के लिए जरूरी है सच की आदत बनाने के लिए सच्चों का साथ इख्तियार करें। झूठ का गुनाह जो है अजाब, उस पर गौर फिक्र करें। बुजुर्गों के किताबों का मुताला करें। अपनी जबान कोशिश करें कि सच्चाई के काम में इस्तेमाल हो। तो ये जो वजीफा आज बता रहा हूँ आपको, ये आपको सच बोलने का वजीफा है। इंशाल्लाह आप इसको पढ़ेंगे तो आपकी जबान से अल्लाह की रहमत से सच जारी होगा, झूठ से जो है ना नफरत होगी, झूठ से बचेंगे। वजीफा यह है कि रोजाना फजर की नमाज के बाद 10 मरतबा फजर की नमाज के बाद मुस्कद्दिकुन 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 पढ़ना। बस बहुत ही मामूली, बहुत ही आसान है। मुस्कद्दिकुन मीम स्वाद दाल और काफ, मुस्कद्दिकुन 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 मुस्कद्दिकुन, सिर्फ 10 मरतबा अव्वल आखिरे के बाद दुरूद शरीफ पढ़ ले। बहुत ही आसान है। आप सारी जिंदगी इस वजीफे को पढ़ते रहें, इंशाल्लाह इस वजीफे की बरकत से अल्लाह ने चाहा हमारी जबान से झूठ नहीं निकलेगा। इंशाल्लाह झूठ से हमारी काफी हिफाजत होगी और सच बोलने की आदत बनेगी। मुस्कद्दिकुन मुस्कद्दिकुन 10 मरतबा रोजाना नमाज़े फजर के बाद पढ़ना है। अव्वल आखिरे के बाद दुरूद शरीफ।